ट्विटर पर दिल्ली पुलिस के एक्शन से घबराया फेसबुक। फेसबुक ने कहा वो भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को मानने को है तैयार। अगर फेसबुक भारत सरकार की बात नहीं मानता तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता। भारत में फेसबुक का मुनाफा समय के साथ बढ़ा ही है, ऐसे में फेसबुक का भारतीय बाजार को खोने का डर है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्विटर के विरुद्ध जारी कार्रवाई से फेसबुक भयभीत हो गया है। इस समय फेसबुक की हालत कुछ कुछ सब इंस्पेक्टर मंगनी राम जैसी हो गई है। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया के टूलकिट पर गुंडागर्दी के संबंध में उनके दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर छापा मारा था। छापा तो ट्विटर के दफ्तर पर पड़ा था, परंतु संदेश सभी बिग टेक कंपनियों को गया। नियम अनुसार चलिए, नहीं तो खैर नहीं। अब फेसबुक ने बिना किसी आपत्ति के भारतीय IT अधिनियमों को मानने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। फेसबुक ने पोस्ट किया, हम भारतीय IT अधिनियमों के अनुसार काम करने को तैयार हैं, जिसके लिए सरकार से हमारी बातचीत जारी है। हम आशा करते हैं कि सभी कार्य पूर्ण हो और किसी प्रकार की शंका किसी के मन में ना रहे। लेकिन जो फेसबुक कल तक भारत से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जो फेसबुक खुलेआम वामपंथियों की जी हुजूरी करता था, वह आज भारत सरकार के नियम मानने को तैयार कैसे हो गया? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सही ही लिखा था, भय बिनु होई ना प्रीति। जिस प्रकार से टूलकिट पर हेकड़ी को लेकर ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर छापा मारा गया था, उससे केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया, यदि राष्ट्र हित से बिग टेक कंपनियों ने समझौता किया तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि फेसबुक इस समय इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। ऐसे में ये बातें जल्द ही इन पर भी लागू होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 26 मई के पश्चात यदि किसी ने भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को मानने से इनकार किया या जानबूझकर उसका उल्लंघन किया तो उस पर कठोरतम कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार एक बार भी नहीं सोचेगी। अब फेसबुक भारत जैसे बड़े बाजार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अगर फेसबुक भारत सरकार की बात नहीं मानता तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता। गौर करें तो भारत में फेसबुक का मुनाफा समय के साथ बढ़ा ही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 में समाप्त वित्त वर्ष में फेसबुक का मुनाफा 40% से बढ़कर 57 करोड़ रुपए पर भारत के परिप्रेक्ष्य में पहुंच चुका था। फेसबुक की कुल कमाई में व्हाट्सएप के माध्यम से हुई आमदनी भी शामिल है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट की माने तो फेसबुक इंडिया का राजस्व फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 में 43% बढ़कर 1277.3 करोड़ रुपए पहुँच गया था, जबकि कंपनी का शुद्ध लाभ डबल हो गया था जो की 135.7 करोड़ रुपए था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक को सरकार के साथ लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता। ऐसे में भारत सरकार के नियमों को मानने के अलावा फेसबुक के पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जो यदि बिग टेक कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा रहे तो कम से कम उनकी मनमानी भी नहीं चलने दे रहे। इससे भारत की डिजिटल संप्रभुता अक्षुण्ण भी रहेगी। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने भारत की संप्रभुता को ठेंगे पर रखते हुए दंगाइयों, असामाजिक तत्वों इत्यादि को खुलेआम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन तय की थी उस पर भारतीय ऐप कू को छोड़कर किसी ने भी सहमति नहीं जताई। ट्विटर के हेड ऑफिस ने अनेक कॉल करने के बाद भी भारतीय सरकार की एक नहीं सुनी। लेकिन ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर रेड पड़ते ही फेसबुक को समझ में आ गया कि भारत सरकार से होशियारी ठीक नहीं। तो क्या ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगेगा? ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अब ट्विटर और व्हाट्सएप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे कानून से ऊपर है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद सरकार किस प्रकार से इन कंपनियों की हेकड़ी को ठिकाने लगाएगी इसका अंदाजा इन्हें बिल्कुल भी नहीं। हालांकि व्हाट्सएप जिस प्रकार से रोते गाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने न्याय की भीख मांग रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि कैसे बिग टेक कंपनियों की अकड़ मिट्टी में मिल चुकी है और व्हाट्सएप का ये कदम
दिया के बुझने के पहले फड़फड़ाने के समान लगता है।